वाह, आज क्या सुहाना दिन है। ध्यान से छुटकू, पतंग के साथ कहीं तू मत उड़ जाना। बेटे पतंग की डोर को तो संभालो। पतंग का भी अपना ही मजा है। छुटकू, हवा ने मारी पलटी, पतंग उठा और हो जा कल्टी। आइडिया, अब देखना मेरा कमाल। पंखे से कपड़े सुखाए जाते हैं, पतंग नहीं उड़ाई जाती। बेटे इस पतंग को वहां मत बांधो। मैंने बोला था। आइला, मेरी पतंग। हवा चली। लगता है कोनो फिरकी ले रहा है छुटकू। सावन का महीना, पवन करे शोर और छुटकू लगा रहा है जोर। इतनी हवा। पतंग उड़ाने चला था, लेकिन अब इसे पतंग उड़ा रहे। जादू बचाओ। अरे इतनी गर्मी क्यों है भाई? बेटे क्योंकि लोगों ने पेड़ लगाने के बजाय पेड़ काटने शुरू कर दिए। आपने सही कहा पापा। तो यहाँ एसी की हवा खाने आया है या कुछ मंगाएगा भी? आइला, ठंडा ठंडा जूस। बेटे इतनी लार मत टपकाओ, इतना तो उस मशीन में जूस भी नहीं है। मैं भी लूंगा। चल भाई चटंकी साइड होले। हे, ये बोलने का कौन सा तरीका है? हाँ, छुटकू हो और आफत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अरे क्या हुआ? ये तेरे बस की बात नहीं है। रुक मैं करके दिखाता हूँ। सिक्का डाला, बटन दबाया और ग्लास लगाया, हो गया ठंडा ठंडा जूस। समझ गया, शटंकी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बटन दबाया, ग्लास लगाया, पर जूस ना आया। ओए, इतने सिक्के मत डाल, मशीन खराब हो जाएगी। तुम ना बस बैठे बैठे मुझे उपदेश देते रहा करो। आ गया। पर अब रुकेगा नहीं। आइला, जूस पे जूस, जूस पे जूस, जूस पे जूस। इतना जूस पिएगा तो तेरा पेट टैंकर बन जाएगा। बन गया टैंकर। छुटकू तूने तो जूस की नदी बहा दी। बेटे इसने नदी तो बहा दी, पर इसे तैरना नहीं आता। हमेशा इसे ही खराब मशीन क्यों मिलती है, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्यों थक रहा है? इतना तो मैं हैंडपंप उखाड़ने के बाद भी नहीं थका था। तुमने फिल्म में हैंडपंप उखाड़ा था, असलियत में नहीं। चलो टीवी ही देख लेता हूँ। अब हम ऐसी खबर सुनाएंगे जो सनसनी मचा देगी। क्या भोंदू एंकर है। अरे हटा। आइला, तोड़ेगा सबकी हड्डी पसली, छुटकू बनेगा आप जूसली। छुटकू आराम से कर, कहीं तेरी कोई हड्डी ना टूट जाए। सबको फाइट मार के टाइट कर दूंगा। कर दिया टीवी का सत्यानाश। तुझे तैरना आता है क्या छुटकू? नहीं, पर डूबना आता है, और डूब के तैरने वाले को बाजीगर कहते हैं। डूब जाओगे तो तैरोगे कैसे? ये आम बैंड पहन कर। आइला, इसमें तो हाथ घुस ही नहीं रहा। ओए, हवा निकाल देगा तो वो काम कैसे आएगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेटे तुम सोचते भी कब हो? तो बाल्टी ले, पूल में डाल और पानी निकाल के नहा, क्योंकि ये तो फूलने से रहा। बेटे वहाँ देखो, छटंकी के पास तुम्हारे काम की चीज है। ओए पीछे देख, तेरे पंप पे डाका पड़ा है। हे, हे, मेरा पंप। जो तेरा है वो मेरा है। संभल के छुटकू, ज्यादा हवा ना भर, ये आम बैंड है, कोई गुब्बारा नहीं। बेटे इसने तो इसका रॉकेट बना दिया। तो यहाँ तैरने आया था कि उड़ने? हवा, कहाँ चला तू? चला छुटकू बता दे। आइला बर्गर, वो भी 10 में। जरा अपनी जेब से भी पूछ ले। ओ ओ जाने जाना, छुटकू ढूंढे सस्ता खाना, पर जेब में नहीं है चार आना। आज नहीं है तो क्या हुआ, पैसा तो हाथ का मैल है। आइला हॉट डॉग।
एक काम कर छुटकू, तू कहीं लंगर में खाना खा ले। बेकार की बात मत करो। छुटकू, झूठा बहाना और सस्ता खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और जब भूख लगी हो तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। सस्ता है मगर सुंदर है और टिकाऊ भी है। भैया ये ले बिल। रुको, ये टिप रखो अपने पास। क्या स्वैग मारा छुटकू? मैंने क्या कहा था, तूने मेरी बात नहीं मानी। तू पैसों को हाथ का मैल समझ रहा था ना, अब जिंदगी तेरा खेल बना देगी। आज तो नाश्ते में मैं खाऊंगा दूध और चिवड़ा। छुटकू, उसे कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं। मैं चिवड़ा कहता हूँ और चिवड़ा ही कहूँगा। पापा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे जरूरी है दूध। अरे पहले इसे खोल तो ले। चेन कुली की मेन कुली, खोल दे इसकी नली। पापा कहते हैं जब सीधी उंगली से काम ना हो तो चम्मच का इस्तेमाल करो। ओए, बहुत हो गई चमचागिरी, इतनी देर में तो तू दूध वाले से भी दूध ले आता। ये मजदूर का कहना है क्या जो खोल नहीं रहा? कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करूं? बहुत अच्छे छुटकू, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। चलती का नाम गाड़ी और छुटकू अनाड़ी। अनाड़ी नहीं, खिलाड़ी हूँ मैं। बेटे, डिब्बे पे क्या लिखा है पहले वो तो पढ़ लो। तो इसे ऐसे खोलते हैं। तभी तो कहता हूँ पढ़ाई पे ध्यान दिया कर छुटकू। सारा दूध तो तूने पानी में बहा दिया, इसके लिए ये रोज की बात है। इतनी गर्मी तो पापा के जमाने में भी नहीं पड़ती थी। ओए, रोना बंद कर और वहाँ देख, तपते रेगिस्तान में भी दुकानें होती हैं। ये तो आज ही पता चला। अभी बहुत कुछ पता चलना बाकी है। आइला, जादुई चिराग। अंकल, फटाफट ये चिराग दे दो। ये लो बेटे, पैसे दो। मजा आ गया। तू देखता ही रहेगा या कुछ करेगा भी? आइला, इसमें तो जीनी फड़फड़ा रहा है। बोलिया, क्या बोलते तुम? देरी न को करो। अच्छा मैं देता तुमको। ये तो जीनियों का वेटर लगता है। खाने को बर्गर भी है। ओए, कब तक ख्याली पुलाव खाएगा? होश में आ। चिराग को घेस। लगता है जीनी निकलने वाला है। अबे झंडू पहले खोल लेता ढक्कन। खुला चिराग और निकला चूहा। टीचर बोलती है दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। आइला, इसमें तो 2 बूंद जिंदगी के भी नहीं है। वाह छुटकू, स्वच्छ इंडिया, सुंदर इंडिया। 4 दिन की है जवानी, अभी दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं नारियल से पानी। हाँ, ओए, ये चटंकी तो मेरे 2.5 किलो के मुक्के से भी मजबूत लगता है। आइला, मैं भी करूंगा। ओए छुटकू, ये तेरे बस की बात नहीं है, समय बर्बाद मत कर। अब क्या इस पत्ते का रस निचोड़ के पिएगा? पीऊंगा तो मैं नारियल का पानी। इस पेड़ को अब याद आएगी नानी। पेड़ का तो पता नहीं, पर तुझे नानी क्या, पूरा खानदान याद आ गया। पापा कहते हैं जहाँ ताकत काम नहीं आती वहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। पर तेरे पास दिमाग भी तो नहीं है। अरे, ये तो फिर से पत्ते गिर रहे हैं। ओए छुटकू, तुझे नारियल चाहिए क्या? हाँ हाँ, मुझे चाहिए। मुझे उसका पानी पीना है, जल्दी से मुझे दो। बहुत टेस्टी है ना? तुझे नारियल पानी चाहिए ना, ये ले पी ले। हाँ? ओए, छटंकी तो असली माल ले गया, तेरे को सिर्फ नारियल की छाल दे गया। मेरे साथ धोखा मैं छोड़ूंगा नहीं। छुटकू, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ए, क्या हुआ छुटके, अभी तक प्यास नहीं बुझी? ये ले, 2 दोस्त एक नारियल का पानी पियेंगे। हाँ? छुटकू, जू में मत जा, कहीं कोई तुझे भागा हुआ जानवर समझ के पिंजरे में ना डाल दे। बेटे, जाने वाले को कौन रोक सका। एक दिन मैं दुनिया का बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनूंगा और सब मुझसे ऑटोग्राफ लेंगे। खतरा छुटकू की जिंदगी में नहीं आता, छुटकू खुद खतरे के पास जाता है। छुटकू, दूर से फोकस कर वरना तू आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। कभी कभी पास जाना पड़ता है बेटे। ओके पापा। ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, इनको भी अभी आना था। अरे भाई, मुझे भी थोड़ी जगह दो, ये ऐसे नहीं मानेंगे। ये बुद्धू तो कुछ ज्यादा ही पास चला गया। अब इसका क्या होगा पापा?
इसका तो भगवान ही मालिक है। आइला क्या मस्त शॉट है। तू फिर से आ गया, पिछली बार तो सस्ते में छोड़ दिया था। अरे अंकल आज भी छोड़ दो। आज नहीं बचेगा तू, जंगल के राजा हैं हम, तूने समझ क्या रखा है। ओए लेट लतीफ, कहीं तो टाइम से पहुंच जाया कर। अब सोच क्या रहा है, जाके अपनी सीट पकड़ ले। थैंक यू। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। आइला कुर्सी की पेटी भी होती है। और एयर होस्टेस जो सिखा रही है उसे ढंग से सीख। मुझे भी ये चाहिए। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे भी ऊपर सामान के साथ बांध दो। सॉरी अब नहीं करूँगा। ये ध्यान से देख, ये सीटी मुसीबत के समय के लिए है। अरे सीटी तो मजे के लिए बजाते हैं, मुसीबत के वक्त कौन सीटी बजाता है। ओए छोटकू बाज आजा, वरना एयर होस्टेस बाहर फेंक देगी। सॉरी गलती हो गई। पापा ये छोटकू तो मान ही नहीं रहा, इसके सर पे शैतानी का भूत सवार है। नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। जब जान के लाले पड़े तो हो जाओ उस दरवाजे पर खड़े। ये तुमने इसे क्या बता दिया, अब ये कुछ खुराफात करेगा। आइला लाले कैसे पड़ते हैं मुझे भी पता करना है। ये तो लाला की जगह लाली आ गई। अब एयरपोर्ट पे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। ओए तेरी राइटिंग कलम वाली बाई ने देख ली तो उसे मोतियाबिंद हो जाएगा। पापा का सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अरे अपना मुंह नहीं हाथ चला। और भैया क्या चल रहा है। कुछ नहीं एग्जाम चल रहा है। कहते ही बिजी लग रहे हो तुम तो। वो तो मैं हूँ। आइला हाल चाल एग्जाम के बाद पूछ, नहीं तो तेरा पत्ता साफ हो जाएगा। भागो। लाइफ इज अ रेस, फटाफट लिखेगा नहीं तो कोई तुम्हें कुचल के आगे चला जाएगा। इसने तो पेन ही कुचल दिया पापा। अरे भैया मेरे पास कुछ है। चल भाग यहाँ से। रख ले भाई तू भी याद रखेगा। अब तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। आइला आइडिया। शाबाश छिटको, बस ये ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी, इस बार मैं टॉप करूंगा। हो गया। धत तेरे की, सारे किए कराए पे इंक फेर दे। सही कहा बाबा। ओए छिटकू महाराज तुसी कित्थे चल रहे। ताकत के लिए थोड़ी एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ। हे कहाँ से खरीदी ये ड्रिंक। हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। इंकी पिंकी पोंकी फादर हैड अ डोंकी। ये सही है। झंडा कहाँ है। ये झंडा देखने का नहीं, झंडा गाड़ने का टाइम है। हाँ तो झंडे भी गाड़ ही देंगे। तूने कभी ये अमीरों वाले खेल खेले भी हैं? ए, मुझे तो नहीं लगता इसने कभी खेले हैं। ऐसा लगता है अंधे घोड़े रेस में दौड़े। सही वक्त पर सही कहावत पकड़ी पापा। अरे ये तो बेकार है। अब जा कहाँ रहा है। ये मेरी लकी स्टिक है। नाला से पारा के कौवे को मारा, मैं छोड़ेगा नहीं। गलत शॉट मारे कौवा काटे। बच गया मैं। अब देखना आखिरी बॉल है, देख के मारना। शाबाश बेटे। पापा इसकी मेहनत पे तो काला कौवा फिर गया। ऐसा क्यों होता है। ओए छिटकू 10 बज गए, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सो ही जाता हूँ। लगता है छोटकू को गब्बर से डर लगता है। सो जा। अरे तू सो क्यों नहीं रहा, सपने में गब्बर आ गया क्या। इतना क्यों बोलते हो तुम। ओए ये क्या बिन बादल बरसात। पापा कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, अगर मैंने नल नहीं बंद किया तो घर में ही सागर बन जाएगा। पानी की बूंद बूंद कीमती है बेटे। बात तो सही है। वारे छुटकू तू तो बड़ा हो गया। मैं बड़ा ही हूँ, सोने दो अब। टेप टेप बरसा पानी। ये क्या? पानी ने छुटकू की नींद उड़ाई। आइला ये तो फिर से टपक रहा है, इसको छोड़ूंगा नहीं। छुटकू गदर देखी है ना, उखाड़ दे नल। तुम तो हमेशा गलत ही सलाह देना, उखाड़ना नहीं इसको ठीक करूंगा मैं। तू क्या दूध नहीं पीता, जान है कि नहीं। अरे ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। आइडिया। ओए ये किसकी मलम पट्टी कर रहा है। वारे छुटकू ना खुलेगा नल ना बरसेगा पानी। कितनी प्यारी सुबह है। ओए छुटकू उठ जा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या आला बाढ़ आ गई।
क्या बोरिंग दिन है। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। बात तो सही है, आज मैं ताश के पत्तों का महल बनाऊंगा। आया हवा का झोंका, पत्ते दे गए धोखा। हो गया। और इस बार बाइक वाला भी आई ला, ये तैयार हो गया। शाबाश, घर बसा नहीं और लुटेरे पहले ही आ गए। इस बीमारी की दवा है मेरे पास। बेटे एक क्लोजअप शॉट लो। अरे अरे ये कहाँ से आ गए? इसे कहते हैं मक्खी का इंतकाम। हे चुकू, तुझे म्यूजियम में एंट्री किसने दिया? सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें क्या हैं? ये मॉडर्न आर्ट है, ये समझते समझते तेरे बचे हुए बाल भी उड़ जाएंगे। आइला, जब मैं साथ हूँ तो डरना नहीं। ए चुटकू, पीछे देख, पीछे देख। ओए, तूने तो इसकी हड्डी पसली एक कर दी। इसे वापस ठीक कर दे वरना लेने के दिन पड़ जाएंगे। मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ। चलो तुम कहते हो तो ठीक कर देता हूँ। अरे कंकाल खुश हुआ, आ कहाँ रहे हो? से टीवी देखे जा रहा है, ये क्या है? क्या नागिन पिक्चर चल रही है? आइला जादू, मैं भी करके दिखा दूं। लगता है तेरे दिमाग की बत्ती जली है पापा, अब ये क्या खुराफात करने वाला है? आगे आगे देखो बेटा, होता है क्या? अरे हटाओ इसे। ये ड्रॉर है या कबाड़ खाना? रस्सी और पगड़ी। अरे आगे तो देख। बड़े जोर की लगी। चलो छोड़ो। अरे वो तो नागिन थी जिसे हमने नचाया था, तू तो रस्सी नचा रहा है, ये नहीं नाचेगी। नाचना तो पड़ेगा। रस्सी तो नहीं नाची पर घर की हर चीज नाचने लगी है पाजी। पापा ये क्या हो रहा है? अरे वही हो रहा है बेटे जो तू देख रहा है। मेरे तो कुल्फी जम गई, पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया छुटकू का चैन। ओए, यहाँ तो डेटिंग शेडिंग चल रही है, तू कहाँ से आया कबाब में हड्डी? तुम्हारे पापा का फ्रिज है क्या? क्या खाऊं, भूख लगी है। आइडिया, मैं खाऊंगा पिज्जा। ओए, उससे अच्छा तो तू प्याज के पकोड़े मंगाता, ठंडी में उन्हें खाने में बड़ा मजा आता है। तूने ये जैकेट पालिका बाजार से ली थी क्या? चुप करो तुम, वहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं। अच्छे कपड़ों का नजारा पूरी दुनिया देख रही है। चेन खुली की मेन खुली। लेकिन जैकेट की चेन नहीं खुली। ओए, पिज्जा वाला तो आ गया, ये तो 30 मिनट से पहले आ गया, अब फ्री नहीं मिलेगा। बहुत देर कर दी सनम आते आते, अब अपना पिज्जा देखो तुम दूर जाते जाते। भाई साहब रुको, ये अब खुली जब पिज्जा की सारी उम्मीदें धुली। छुटकू दरवाजा खोल के देख, तेरे लिए गिफ्ट आया है। पर ये दिया किसने? जल्दी से उठा ले, आम खाते हैं गुठलियाँ नहीं गिनते। आइला कद्दू की खोपड़ी, ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। ओए बिल्ले अपनी जान बचा। मम्मी कहते हैं खाना अधूरा नहीं छोड़ते, मैंने कहा था ना। ओए ये मजदूर का कुत्ता है, इसे तो छोड़ दे। छुटकू संभल जा, ऊपर वाले से तो डर। बिल्ली का, कुत्ते का, बंदर का, सबका मजा लेगा ना तेरा छुटकू। हेलो, कैसी आवाज है? कौन है? मैं हूँ। कोई से चप्पल संघाओ। आए छुटकू, आज बड़ा खेल खिला रहा है। फोन उठा, क्या पता केबीसी से बच्चन साहब बुला रहे हो। अरे छोड़ो, कॉमिक के आगे सब बेकार है। 4 बज गए लेकिन कॉमिक अभी भी बाकी है। चुप हो जा। आज बस आवाज पे आवाज मिलेगी, आवाज पे आवाज, शांति नहीं मिलेगी। क्या मुसीबत है छुटकू, ये मजदूर का जेसीबी है। उठा ले रे बाबा, छुटकू को नहीं जेसीबी का। बेटे आज मौसम बहुत सनी है। आइला आज तो मस्त धूप खिली है। बैडमिंटन क्या अकेले खेलेगा? ये सही है, इतना बड़ा हो गया पर अभी भी बोर्नविटा पीता है। कौन कमबैक्ट बड़े होने के लिए बोर्नविटा पीता है? मैं तो इसीलिए पीता हूँ ताकि मछली पकड़ सकूं। छुटकू ये तो टाए टाए फिश हो गई।
कोई बात नहीं, दूसरी फिश आ जाएगी। अब यही स्टेयरिंग घुमा के सीधा घर जा। अरे ये नाटक मंडली वालों ने अपना सारा सामान यहीं छुपा रखा है क्या? ये बहुत ही कीमती सामान है बेटे, हमेशा याद रखो ओल्ड इज गोल्ड। अरे काहे का गोल्ड, मैं यहाँ मछली पकड़ने आया हूँ, कबाड़ इकट्ठा करने नहीं आया। अरे ये क्या कर रहा है, ये कूड़ा नहीं है। तुम चुप करो, अपने एंशिएंट सामान को ऊंचे दाम पर बेचे। अरे इसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ओए छोटको, बाहुबली की किताब पढ़ रहा है क्या? पार्ट वन खत्म। पर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अभी पता चल जाएगा। माना तेरी हाइट कम है पर तुझ में दम है, कोशिश कर छोटकू, कोशिश कर। सिर्फ कोशिश से नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ता है, और वो मेरे पास बहुत ज्यादा है। तेरी सीढ़ी का तो डंडा ही टूट गया। कोई बात नहीं, मैं कोई और जुगाड़ लगाऊंगा। क्या छलांग लगाई है, पहले तू सर्कस में काम करता था क्या? अरे मेरे मामा के चाचा के लड़के सर्कस में ही है। आराम से बेटे, आराम से। आई ला बम्बे। तेरे की, कभी ये शेल्फ के ऊपर, कभी शेल्फ इसके ऊपर। आई ना दुनिया हसीनों का मेला, और इस मेले में छुटकू टोपी लगा के जाएगा अकेला। लो मैं आ गया। ओए ऑफर है भारी, मिलेगी फरारी की सवारी। ओए इसे फेंकना है, इसे देखकर करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ना। बेटा सनी, ये तो नाक कटा रहा है। ठीक से कर छोटको, ठीक से कर। कुछ सोचना पड़ेगा। पापा ये तो इंटरनेट पे सीख रहा है। हर चीज इंटरनेट पे नहीं सीखी जाती, समझ गया छोटको? पर लिख के तो सीखी जा सकती है। ओए रट्टू पोपट, थ्योरी छोड़, प्रैक्टिकल पे ध्यान दे, प्रैक्टिकल पे। हाँ मम्मे, देखा मैं जीत ही गया। इसका भी तेरी तरह स्क्रू ढीला लगता है। देखने में तो नहीं लगती है, पर ये चल क्यों नहीं रही? इसे कहते हैं हाथ तो आना पर मुंह न लगना। ये भगदड़ कैसी? लगता है छुटकू ने एक नई जॉब पकड़ी है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। चलो लाइन में आओ, और मोबाइल अंदर नहीं जाएगा। इस हाथ मोबाइल दे, इस हाथ टिकट ले, जाओ। क्या सड़ी बदबू है, अरे मक्खियों की दुकान, तुम नहाते नहीं क्या? 4 साल पहले नहाया था। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे इसका तो डबल टिकट बनता है, डबल टिकट। मोबाइल। बेटे ये तो फोन की दुनिया का बेताज बादशाह लग रहा है। जाओ अब। अंदर चले गए, दरवाजा बंद, पिक्चर शुरू। ये फोन किसका बजा? अरे हाँ कैसी हो? पापा आज के बाद से छुटकू फोन रखना भूल जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। किताब पे किताब, किताब पे किताब, और बीच में छुटकू। आइला कार्टून का टाइम हो गया। ओए कार्टून बाद में देख लेना, पहले ये किताबें उठा। किताबों को जमीन पे नहीं रखते। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी देखो मेरा जादू। बहुत अच्छे चुटकू, रोहित शेट्टी तुझे अपनी अगली फिल्म में जरूर लेगा। मुझे बस उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। और चुटकू तू भी धूप से क्या आया है क्या, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? मैं तो तुझे गंगाधर समझता था, तू तो शक्तिमान निकला। ये कैसी आवाज थी? छोड़ो। मुड़ मुड़ के देखा, मुड़ मुड़ के नहीं आ पताई, मुड़ मुड़ के। अरे भूकंप आ गया क्या? तेरे साथ ये सकी होता है। मेरी किस्मत ही खराब है। संदेश से आते हैं कि चिट्ठी आती है। ओए आजकल तो SMS आता है, SMS। ओए भूल गया पापा ने क्या कहा था, पेपर वेस्ट नहीं करते। ये धरती मेरी माँ है, और इस धरती पे उगे पेड़ों से बने पेपर को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। रुक जा छोटा। ओए तू शांत हो जा, इसे मैं समझाऊंगा। ए मुझे मौका दो, मैं समझाऊं क्या? ओए तू कहाँ से आया? हो गया ना पेपर खत्म, अब चखो मजा। ये 2.5 किलो का दरवाजा है, तेरे 1.25 किलो के हाथ से नहीं खुलेगा। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा।
ये तो मेरी गड्डी है। ओए नहीं, ओए ऐसे मत चला, मेरी गड्डी तोड़ दी तूने। अरे प्यार, जंग और टॉयलेट के लिए सब जायज है। आइला ये क्या, ये तो अंदर की ओर खुलता है। चुटकी में हो गया काम, अब जाके मिला आराम। फोन की बजी घंटी, लगता है आने को है आंटी। छोटकू की मम्मी का मैसेज। आइला ये तो कचरा फैला हुआ है, इधर कचरा और कचरा, साफ करूंगा सारा कचरा। ये किताबें गई अंदर। और ये देखो बंदर। जकास। लगता है घर में घुसपैठ हुई है। छुटकू पलट के देख, कौन घुस गया अंदर। अरे कहीं जादू तो नहीं आ गया। यहाँ वह नहीं, सामने देख। आइला टॉमी, अरे सुन, इसको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और गंदगी भी तभी हुई, हाँ जब टाइम कम था। टॉमी मत खेल होली, वरना मम्मी मार देगी गोली। अरे बेटे मम्मी आ गई। ओए सोए हुए शेर को जगाते नहीं। बेटा पंडा छोड़ना नहीं डंडा। ओए हाथी मेरे साथी, हमारा छुटकू कहाँ है। यहाँ हूँ मैं। अरे ये क्या है, इसकी भी फोटो ले लेता हूँ। ये तेरा कैमरा ले गया, तुझे डर नहीं लगता मुझसे। डर तो आम किसी के बाप से भी नहीं है। छुटकू तेरी इतनी बड़ी बेइज्जती। ये ले। भाग यहाँ से। आइला ये तो बच गया। सेल्फी ना 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 ना। मेरा कैमरा। क्या कैच पकड़ा है बेटे, भाग जा छुटकू, नहीं तो ये तेरे साथ कैच कैच खेलेंगे। ओए ये क्या है, ये जादू ने भेजा है। थैंक यू जादू। छुटकू ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। हमारे छोटे पॉकेट ने तो बड़ा रॉकेट बना दिया, और अब मैं इससे जादू से मिलने जाऊंगा। वाह। फ्यूल खत्म हो गया क्या। अरे इसमें हो क्या रहा है। ओए तू रॉकेट उड़ा रहा है या रॉकेट तुझे उड़ा रहा है। ओए चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। फालतू जलालतू, आई बला को टालतू। हाँ, बच गए। आखिरी ट्राई ने कर दिया छुटकू को फ्राई। बोला था ना, हाँ, बोला था ना, चाइना का माल मत लेना मेरे भाई। आइला भूख लगी है जोर की। ओए वो देख पॉपकॉर्न वाला, भीड़ होने से पहले भाग। अरे छुटकू जा खड़ा होता है, लाइन वहीं से शुरू होती है। तुझसे थोड़ी सी चिल्लर भी नहीं संभाली जा रही। अरे छोटू तू तो गिरे हुए पैसे नहीं उठाता था। अरे अब उठाता हूँ। आइला इतने लोग। साइड में देख, वहाँ कम लोग हैं। हाँ लग तो रहे हैं, पर पहले गिन लूं। गिनती छोड़, फट से दौड़। एक्सक्यूज मी अंकल, ये कुत्तों को घुमाने की जगह नहीं है। वो लाइन छोटी लगती है। छोटकू क्या तूने कभी सुना नहीं, दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। लेकिन मुझे तो आज लाइन सुहानी लग रही है। अरे खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। अरे धर्म जी बड़ा ही बड़बक है आपका छुटकू। मैं भी परेशान हूँ। कर ले योगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बिल्लो रानी इसे कुछ नहीं करने देगी। अरे छुटकू को शांति चाहिए, उसे शांति दे दो। आप ठीक है, ये जगह एकदम क्लियर है। बिल्कुल तेरे दिमाग की तरह। लगता है कोई इसे योगा करने नहीं देगा। इन कुत्तों के सामने योगा मत करना छुटकू। पहाड़ पे चढ़ता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी इरिटेट होके पूछे, अरे योग करेगा तू कितना। अरे जितना होगा उतना। बेटे लगता है इसे यहाँ शांति मिलेगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है पापा, इसे शांति नहीं मिलेगी। मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? तू शेर है, रोर कर। उबासी नहीं लेनी थी। आइला 10 बज गए। पर तेरे चेहरे पे तो 12 बजे हैं। ज्यादा बोलो मत, मुझे सोने दो। इतनी रात को बजी घंटी, जरूर ये होगा बंटी। बंटी नहीं रे बाबा, देवी प्रसाद का मैसेज था। पापा सुबह हो गई क्या। नहीं बेटे, ये सुबह की किरण की तैयारी कराया। ओए तो किरण पे इतना अटकता क्यों है। क्योंकि वो है मेरी किरण। चलो छेड़ो, अब सब सो जाओ।
सुबह फिशिंग करने जाऊंगा। अभी सुबह नहीं हुई, सो जा। ओए किताबी कीड़े, इतनी पढ़ाई स्कूल में करता तो चौथी में 5 बार फेल नहीं होता। फोन पे क्या टिक टिक कर रहा है, घड़ी की टिक टिक देख। कौन है? अब ये देवी प्रसाद तो तेरा खून पे जाएगा। अब तेरी फिशिंग गई पानी में। चलो पापा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है?